Assalamu alaikum, so this is your boy Ibn Malik, live from Islamabad, live from Pakistan. So, kaise hain aap sab? I mean, kaise? अस्सलामुअलैकुम। आज काफी दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेके। काफी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि व्लॉग लेके आओ, लेकिन मैं डीट बन के ला ही नहीं रहा था। लेकिन आज फाइनली मैंने एक निकाल लिया व्लॉग। मैं गया था हाइकिंग पे, तो मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं, तो वो मैंने बनाया। तो आज आपको मैं साथ साथ बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे टिकटॉक से आके सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ और अभी तक किया है। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ ट्रेल 5 में। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। वो जगह पता नहीं किधर जा रही है। आज आपको हम आई व्यू दिखाएंगे, जगह बहुत प्यारी है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ, देखते हैं कि कितना सांस रुकेगा और कितनी थकावट होगी, कितनी टांगों में दर्द होगी। अल्लाह ना करे हो, और होनी भी नहीं चाहिए। रात को जो हमारा सीन बना था ना, वो बना था कोई 8 लड़के जाएंगे हम लोग सारे हाइकिंग में एंजॉय करेंगे, जिनमें से जब सुबह उठे हैं एक पहले आ गए, फिर उसके बाद 2 आ गए, फिर करके मेरे भाई को और मुझे बुला के हम 4 बंदे हो गए। 4 बंदों के अलावा कोई था नहीं, हमें समझ ही नहीं हम करें तो क्या करें। हम अब सुबह हमने उठ गए तकरीबन, फजर की नमाज पढ़ ली है, उठे हैं, लेकिन कोई था ही नहीं। तो फिर हम सोने लगे तो एक लड़का कहता है चलो यार चलते हैं, अब उठे हैं तो चलते हैं। तो हम निकल पड़े। कुछ कहना चाहेंगे आवाज आप? शर्मा रहे क्यों है आप? नहीं, हम क्यों शर्माएंगे भाई। बस आज हमारे 2-3 पार्टी के बंदे थे जिन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन अल्लाह करे हम लोग भी इंशाल्लाह उन्हें बुला के सही ख्वार कराएंगे। कुछ लोगों ने धोखा दिया, लेकिन हमने उस धोखे को जो है ना, हमने कहा नहीं यार हम तो जाएंगे इस धोखे को। तो ये है दानियाल अहमद, सही नाम लिया। तो दोस्तों, इस व्लॉग का जो मकसद है वो यहाँ पे हम करने आए हुए हैं फ़ोटो शूट। अपना नहीं, अपना तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि फ़ोटोज तो चाहिए होती हैं। हम करने आए हुए हैं इन बैग्स का फ़ोटो शूट। सब ने एक एक पहना हुआ है, आपको भी तफसील से बताते हैं। अभी हमारे 2 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो आगे चलते हैं और चलते रहे मेरे साथ। यहाँ पे 1-2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं। वो सारी चाहिए। तो इस रात मेरे साथ 3 लड़के जो कि शदीद किस्म के थक चुके हैं, लेकिन मैंने थका। चलो यार दोस्तों, थोड़ा सा तो रह गया, देखो इतना सा बस। ये वो वाली बात हो गया, मैट्रिक कर लो आगे इजी है। जो हमारा मॉडल था बैग का, जैकेट फुल पहन के आया था फुल तैयारी में, लेकिन अब गर्मी लगने शुरू हो गई है। ये एक बैग बड़ा खूबसूरत बैग, पसीने हमें आए हैं बैग को, कोई पसीना नहीं। बैग को कोई पसीना नहीं, ये डिपिक्ट करता है कि ये वाटरप्रूफ है। और ये जो लड़का खड़ा है, हम इनको ऑलरेडी ये सेल आउट कर चुके हैं। ये मार्केट में अकेला और बड़ा ही महंगा अवेलेबल था, जो कि ये भाई खरीद चुके हैं। इनकी शक्ल दिखाए, इनकी शक्ल बना जाए ये मेरी जगत खराब कर। और ये हैं बैग के ओनर। आप अपनी वेबसाइट का नाम बता सकते हैं या अकाउंट? इट्स READYOUT, रेडी आउट। कैन चेक दिस काइंड ऑफ हाई क्वालिटी बैग्स हियर, थैंक यू। कट, एक मिनट, ऑडियो ये जो ऑडियंस है वो उर्दू है, प्लीज उर्दू में बात करें। रे अलिफ रे जे दाल छोटी है, रेडी। ये हमारा शूट चल रहा है बैग का, और बाकी बैग हाथ में। एक लड़का है फानूस, के लिए हमने कुछ लड़के मिले, उन लड़कों से हमने बुलवाया फानूस साहब के लिए। फानू, वी मिस यू वेरी मच, एंड वी मिस आल्सो टाइगर। वेरी मच थोड़ी है, टू मच। <Too much. laughs>
ओ भाई चल चल के थक गया, चाइना का बॉर्डर ही ना क्रॉस हो जाए। ये हजरात मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 5 किलोमीटर हो गया अभी तक 0.2 नहीं आया। देखो भी यहाँ पे चढ़ोगे। चलो अब चाइना का बॉर्डर भी क्रॉस करें ऊपर जाके। ओ नहीं वो लेडीज का रास्ता है। ध्यान से ध्यान से। अब एक बार मुड़ चुके हैं। 1 2 3 हमारा भाई पीछे रह गया। वो आ रहा है आपके भाई वही, वो जिसने टोपी पहनी हुई थी, सारों ने पहनी व्हाइट शर्ट थी, गोरा सा था। नहीं मैंने नहीं देखा उसे। और आता भी नहीं वो। ओए की हाल चाल है, ठीक हो ना? तोड़िया तो बाबा मेरे अपन की है। क्या व्यू है यार, वो देखें, वो है रावल डैम, ट्विन टावर, ट्विन टावर रावल डैम नजर आ रहे। सोचा था याशी करते हुए जाएंगे, शुगल मेले में बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन ये रास्ता रास्ता नहीं, वो पीछे गिरा तो कह रहा लग रहा हड्डी टूटी, मोबाइल ना टूटा। यार व्यू चेक करें, बहुत खूबसूरत व्यू है। जस्ट बनाते बनाते मोबाइल नीचे गिर गया। अच्छा रास्ते में ना कुछ ऐसा हुआ, एक ना बिल्कुल ही प्लेन पहाड़ी आ गई, मैंने कहा कि ये किस तरह चढ़ेंगे हम, तो एक रास्ते से अंकल भागते भागते आ रहे, एक वो रास्ता आ गया था जो बिल्कुल सीधा जा रहा था, प्लेन था, मतलब ऊंचाई नहीं थी, बिल्कुल सीधा। मैंने अंकल से पूछा अंकल मुनाल जाना है, मुनाल यही रास्ता, कहते यहीं जाता है, कहते रास्ते में दो, एक लेफ्ट में और एक राइट में आएगा रास्ता, उधर से एक आसान है रास्ता और एक मुश्किल है। तो अंकल ने ये नहीं बताया कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल, अंकल भाग के। अब जब हम पहुंचे हैं दो रास्ते, हमें दो गलियां नजर आई हैं, हमें समझ ही नहीं आए किस में जाए। तो वो जगह जो थी ना उधर, हमारा तकरीबन कोई आधा घंटा ऐसे भी ज्यादा जाया, हम आगे पीछे घूमते फिरते रहे, जो भी बंदा आया वो बोले इधर है, उधर जाते थे वो बोलता था इधर है, करके एंड में एक आखिरी बंदा मिला, उसने बोला यहाँ से सीधा ही जाना। सीन कुछ ये हो रहा है, हम जिस रास्ते में भी जाते हैं दूसरा बंदा कहता है उधर है रास्ता, उधर जाते वो बंदा कहता है इधर है। हम घूम फिर के एक ही जगह में कोई तकरीबन आधे घंटे से आगे पीछे हो रहे हैं, और बस कुछ कहना चाहेंगे आज की ट्रिप के बारे में? नेक्स्ट टाइम जब आपने आना हो ना तो हमें आप अपने साथ गाइड रख लीजिएगा, क्योंकि हम सारे ट्रेल पे ख्वारी काट चुके हैं और अब हमें सारे रास्ते पर। कसम से मुंडे वाला, अभी यहाँ पे आगे दो बंदे आए, भाई रह गया उसको तो हमने पैंपर भी बदलवाए वो इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। तो एक लड़का कहता है मत जाओ चीते होंगे, वो चीते खा जाते। सामने हम लोग छुपे हुए हैं, तुम्हारी बात पे हमने यकीन नहीं किया और यहाँ पे चीते ही चीते हैं, मांस की टांग खा के। तो हम निकले, तो जब एंड में देखा तो वो दोनों गलियां एक ही तरफ निकल रही थी। अच्छा ये दो रास्ते आ रहे थे ना, हम बड़ी कंफ्यूजन में हो गए थे कि उधर जाना है इधर जाना है, ये दोनों रास्ते आगे वापस उधर ही निकलते हैं। ये भाई हमें जो पहले मिले थे दोबारा मिल गए, घूमते फिर आते। यूर वेलकम भाईजान। हालत इस वक्त साइड से भी ज़्यादा टाइट हो चुकी है, पता नहीं कब आएगा इतनी देर में बंदा लाहौर पहुंच जाता है। तो फिर जब हम मुझे नज़र आई रोड, मैंने कहा रोड आ गई, अल्लाह तेरा शुक्र है रोड नज़र आई है, तो उधर सामने टैक्सी वाले खड़े हुए थे। तो हमने पूछा मुनाल की तरफ, कहते हैं नीचे है 2 किलोमीटर का रास्ता है, अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो 2 किलोमीटर का रास्ता है, अगर पैदल जाएंगे तो 17 किलोमीटर का रास्ता। हमने कहा पुत्र तू कर ले अपनी मार्केटिंग, हम फिर पैदल ही निकले। यार ये व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है, इधर चारपाई और साथ नाश्ता मिल जाए, चाय शाय। आए हाय हाय। तो फिर उसके बाद हमने कहा बस किसी तरह पहुंच जाए मुनाल। मुनाल पहुंचे हैं, जितने किलोमीटर थे चल चलू के मुनाल पहुंचे हैं, बस उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की, व्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई, बस उसके बाद खाना खाया है और फिर उसके बाद घर के लिए निकले हैं, उधर से टैक्सी करवा के अपनी गाड़ी तक पहुंचे हैं, फिर घर के लिए निकले हैं। और बस ये था आज का व्लॉग,
हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम जिस नाम है मेनू बेहद मिले आराम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम।